कंवल नसीर एंड यू आर वॉचिंग वाई आई सी फेसबुक लाइव। 9 और 10 जनवरी को होने जा रहा है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिशन, और अभी हम हैं अहमद फराज ब्लॉक में, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, इन इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर। हमारे साथ यहाँ ऑर्गेनाइजर्स मौजूद हैं, हमारे साथ अभी एक ऑर्गेनाइजर मौजूद हैं जिनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शाहज़ेब खान। अच्छा शाहज़ेब, आप मुझे ये बताएं कि इसमें जो इवेंट है इसमें कौन कौन सी गेम्स हैं, इस जो इवेंट है उसमें कौन कौन सी गेम्स हैं जिसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं? ठीक, हम लोगों के पास इस इवेंट के अंदर 3 गेम्स हैं। मोस्टली हम लोगों का फोकस पबजी के ऊपर है। 3 गेम्स हम लोगों के पास, जैसे मैंने आपको बोला, एक पबजी है, एक मोटर कॉम्बैट है और एक शार्क टेम्पल रन है। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादातर जिस पर हमारा फोकस है वो है पबजी। पबजी जैसे आप लोगों को पता होगा बहुत ज़्यादा खेली हुई गेम है, बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं। हमने जिस टाइम ये गेम इंट्रोड्यूस कराए थे तो उससे पहले हम लोगों ने इसका एक शॉर्ट सर्वे भी किया था, जिसमें हम लोगों को पता चला कि पबजी बहुत ज़्यादा लोगों पर मकबूल है, इसलिए हम लोगों ने पबजी को सेलेक्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिले। अच्छा, मैंने नाम तो सुना है पबजी कभी और टेम्पल रन कभी, ये तीसरी गेम का मुझे नहीं पता, तो अब ये तीसरी गेम जो है इसके बारे में बताएं कि ये किस तरह की गेम है और कैसे खेलते हैं। आई एम अमेज्ड कि आपने इसका नाम पहले कभी नहीं सुना, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा खेली जाने वाली गेम है जिसकी आप बात कर रही हैं, उसका नाम है मोटर कॉम्बैट। मोटर कॉम्बैट हमारे पास जो है फर्स्ट पर्सन गेम है, उसके अंदर जो होते हैं जिस तरह हम लोग अगर कह दें टेकन हो गया, स्ट्रीट फाइटर हो गया, इस तरह की हमारे पास गेम है। लेकिन ये फेमस इस वजह से होती है क्योंकि इसके अंदर जो होते हैं इसके बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से बहुत ज़्यादा हम लोगों के पास मकबूल है और बहुत ज़्यादा खेली जाने वाली गेम है, इसका भी हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। अच्छा, पबजी के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है और आजकल ये ट्रेंड बनता जा रहा है पबजी, तो ये आप बताइए क्यों इतना ज़्यादा इन हो चुकी है ये गेम, क्यों इतनी फेमस हो गई है ये गेम? असल में बात ऐसी है कि हम स्टूडेंट्स को जो होता है थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है रिलैक्स करने का, लेकिन वो रिलैक्सेशन टाइम अगर हमें फ्रेंड्स के साथ मिल जाए तो हम बहुत ज़्यादा हम लोग उसको अवेल करते हैं। पबजी के अंदर भी इसी तरह एक मल्टीप्लेयर गेम है, हम लोग जो होते हैं 4 बंदों का स्क्वाड, 4 2 बंदों का स्क्वाड होता है, सब दोस्त वगैरह मिलकर खेलते हैं, जिससे जो होता है हम लोग इन दी एंड एक्सट्रीम फन जो है हम लोग इससे हासिल कर सकते हैं। तो इस वजह से ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के अंदर मकबूल होती जा रही है और यही वजह है कि दुनिया में अभी फर्स्ट नंबर पर प्लेट गेम है। अच्छा, ये जो गेम्स का जो कंपटीशन है ये वनोगाला में होगा, लेकिन इसमें जो है तो ये कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट के लोग ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ये जो गेम्स हैं तो इसमें आउटसाइडर भी अलाउ हैं, ये किस लिए? ये इस वजह से क्योंकि हम चाहते हैं कि मौका सबको मिले, क्योंकि गेम इस तरह की चीज़ है कि उसके अंदर हर बंदा चाहता है कि वो अपने आप एक्सप्रेस करे, हर बंदा चाहता है कि वो चैंपियन है इस चीज़ के अंदर। और गेम्स इस तरह की चीज़ है कि अगर आप देख ले तो आजकल जो होता है जब बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे पहले जो होता है मोबाइल को डिमांड करता है, उसके अंदर टेम्पल रन और फिर पबजी और इस तरह होता रहता है। तो हम लोगों ने इस गेम को जो है आउटसाइडर्स के लिए इसलिए ओके किया क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास अच्छे प्लेयर्स हैं और बेस्ट से बेस्ट हमारे पास टूर्नामेंट और बेस्ट से बेस्ट प्लेयर हमारे पास विन करें। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये थे हमारे साथ ऑर्गेनाइज़र, उन्होंने बताया कि किस किस किस्म की गेम्स जो हैं वो होंगी इस इवेंट में और कहाँ कहाँ से लोग आएंगे, आउटसाइडर्स भी होंगे और ये लोग भी होंगे और मुख्तलिफ किस्म की गेम्स हैं। सो लेट्स सी के क्या होता है इस इवेंट में। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं भी और आप लोग भी।